हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टिच। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैंकी स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग का ट्यूटोरियल। ये मेरे पास प्लेन फैब्रिक है और ये डिज़ाइनिंग फैब्रिक है मेरे पास, जिससे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई ली हुई है मैंने 7.5 इंच, यानी 7.5 इंच, और लंबाई है 8.5, 8.5 इंच। आप चाहें तो इसकी लंबाई ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और इसे शेप दे लेंगे। देखिए, इस तरह गोलाई में लेते हुए हम शेप दे लेंगे। और नीचे का पार्ट हम 6 इंच रखेंगे, बॉटम पार्ट 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को मैच कर देंगे। अब कटिंग कर लेंगे। निशान पर लेते हुए इस साइड से भी कट कर लेंगे। अब नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे हम। नीचे के पार्ट के लिए हमें चौकोर पीस चाहिए होगा कपड़े का, तो इस तरह हम इसे आड़ा लेते हुए रख लेंगे। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम कट करके निकाल देंगे। इस तरह सीधा सीधा कट कर लेंगे इसे। दूसरी साइड से भी सीधा कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इस तरह इसे डबल फोल्ड कर लेंगे हम। और यहाँ पर निशान लगाना है हमें, गोलाई का शेप देना है। देखिए, ये जो हमारी स्लीव है इसे हम लंबाई में हाफ करेंगे, फोल्ड करेंगे। और जो हमारा सिलाई का मार्जिन है थोड़ा सा, उसे हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम इससे मेजर करेंगे नीचे वाले पार्ट को। देखिए, इस तरह रखते हुए हम निशान लगा लेंगे और मार्जिन जो हमारा सिलाई का है उसे निकाल देंगे बाहर की तरफ। और दोनों साइड पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को मैच कर देंगे हम। हल्का सा गोलाई में लेते हुए हमें इन्हें मैच कर देना है। अब इसे कट कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से आएगा इसका लुक। खुलने के बाद बिल्कुल राउंड आएगा ये, इस तरह राउंड। अब हम इसकी किनारी फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे इसके चारों तरफ। देखिए, चारों साइड पे हमने सिलाई लगा लिया, फोल्ड कर लिया इसे अंदर की तरफ। अब हम ऊपर वाले पार्ट की सिलाई कर लेंगे साइड से। देखिए, ऊपर के पार्ट की हमने सिलाई कर ली है। अब इसे हम अटैच कर देंगे नीचे वाले पार्ट में। तो इसे हम उल्टा करके रखेंगे पहले, फिर इसे स्लीव को हम इसके अंदर इंसर्ट करते हुए इस तरह गोलाई में मैच करेंगे। गोलाई में लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, सिलाई हमने लगा ली है, अटैच हो गई है। हमारी स्लीव जो है ये बनकर कंप्लीट हो चुकी है। मैं दिखाती हूँ पहनने के बाद इसका लुक कैसा आने वाला है।
देखिए पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आने वाला है। बहुत एलिगेंट, बहुत प्यारा सा इसका लुक आएगा। तो वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।